वेलकम बैक टू माई ट्यूब पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र महात्मा ज्योति फूले रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है, MJPRE रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है, उनके लिए हम आज की अपडेट है जो 8 तारीख को, मतलब आज अपडेट हुई है 9 तारीख को, 9 मार्च को, तो उसकी अपडेट में हम देखने वाले हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है कि जिस जिस छात्र को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ उसको, ताकि आप समझ जाएँ। तो यहाँ देखो बोला गया है, नई शिक्षा नीति भी लॉन्च हुई है, आपको बताएं, जो भी BA BSc BCOM और BBA प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं 2021-22 के, भरे जाने वाले परीक्षा आवेदन पत्रों के संबंध में स्पष्टीकरण दे रखा है। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ ले, मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है। यदि आप देखो, अब आप आवेदन परीक्षा फॉर्म भरने वाले हो, मतलब यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने वाले हो MJPRE वाले, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी हैं नई शिक्षा नीति के। यहाँ कह रहा है मुख्य परीक्षा 2021-22 में BA BSc BCOM BBA प्रथम सेमेस्टर के राष्ट्रीय परीक्षा नीति 2022 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षा आवेदन भरने के दौरान उठाए गए विभिन्न बिंदुओं के संबंध में स्पष्टीकरण दे रखा है। जैसे कि दो पॉइंट यहां दे रखे हैं, एक कह रहा है कि आवेदन पत्र में जो माइनर विषय का उल्लेख नहीं है, उन्होंने कहा है जो माइनर विषय है उसका उल्लेख नहीं है, जबकि महाविद्यालय द्वारा उसे द्वारा हमें माइनर विषय का आवंटित किया गया है, तो हमें माइनर एक विषय दिया गया है, लेकिन वो क्या है बेटा, माइनर विषय आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं दिया गया कि इस माइनर विषय को लो, ठीक है, लेकिन उसमें जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो स्पष्टी, अब माइनर विषय का मतलब क्या है, उन्होंने बोला गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अंतर्गत माइनर विषय को एक वर्ष, मतलब एक वर्ष का अर्थात प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर को उत्तीर्ण करना है, मतलब पहले सेमेस्टर को आपको उत्तीर्ण करना है, उसके बाद दूसरे में, तब आपको मार्कशीट मिलेगी फर्स्ट ईयर की। उपरोक्त विषय छात्रों को द्वितीय सेमेस्टर में आवंटित किया जाएगा, और जो भी छात्र उत्तीर्ण होंगे उनके लिए द्वितीय सेमेस्टर में आवंटित कर दिया जाएगा। दूसरा उन्होंने पॉइंट दे रखा है कि जो वोकेशनल पाठ्यक्रम होता है उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म प्रदत्त पाठ्यक्रम के महाविद्यालय द्वारा आवंटित पाठ्यक्रमों से भिन्न रहेगा। अब यहाँ देखो क्या बोला गया है, इसमें स्पष्टीकरण के लिए ने बोला गया कि शासन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो कॉविशन कह सकते हैं वोकेशनल पाठ्यक्रम की सूची एवं जो कतिपय महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर महाविद्यालय के संचालित किए जाने वाली पाठ्यक्रमों की सूची आवेदन पत्र भरते समय प्रदर्शित हो रही है, यदि उससे भी भिन्न कोई पाठ्यक्रम महाविद्यालय संचालित करा रहा है, मान लो जो हमारी यूनिवर्सिटी जो आपको दे रही है उससे भी यदि अलग यदि हमारी महाविद्यालय आपको संचालित करा रहा है, तो छात्र अन्य को संचालित कर सकता है, तो मतलब कह रहा है अन्य को संचालित कर सकता है, मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी करा रही है और वो आप कुछ और कर रहे हो, तो उसमें अदर्स में टिक लगाकर आप कर सकते हैं, और अदर्स को चयनित कराने वाले महाविद्यालय को, जो महाविद्यालय आपको बताएंगे जो माइनर कौन सा विषय आपको प्रैक्ट करना है, मतलब कि कौन सा आपको जो कॉविशनल पाठ्यक्रम है उसको चॉइस करना है, तो उनको आपको अदर्स पे टिक कराएंगे, तो कौन कौन से महाविद्यालय वो करा रहे हैं। अदर्श को संचालित करने वाले महाविद्यालयों को पृथक के संबंधित पाठ्यक्रम के अनुमोदन लेकर अग्रिम कार्यवाही संपन्न करानी होगी, मतलब उनको उसके बाद में यूनिवर्सिटी में उन्हें अप्लाई करनी पड़ेगी कि हम लोग ये चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप इसके थ्रू कुछ पेपर बनाइए, तो वो चीज़ होगा। अब यहाँ देखो यहाँ कह रहा है कि यदि परीक्षा फॉर्म भरते या भरने में छात्र छात्रा को कोई भी परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मोबाइल नंबर आप इतने पे और मोबाइल नंबर इतने पे और मोबाइल नंबर इतने पे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, मतलब आपको कोई भी समस्या हो रही है तो ये नंबर आपको दे रखे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो MJPRE रोहलखंड यूनिवर्सिटी की अपडेट थी, जो थी 8 मार्च की, जो आज 9 मार्च को अपडेट हुई है आपकी साइट पर। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद हो आई होगी। तो 2022 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले जो क्वेश्चन है वो हमने इंपोर्टेंट वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर जाके वीडियो देख लीजिए, और हमारे नोट्सों को डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा है, PDF बिल्कुल आपको दी जा रही है। आप हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पर जाइए, वहां को लिंक मिल जाएंगे, तो वहां जाके टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, कोई दिक्कत आ रही है तो हमें संपर्क करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय।